वारदात की खबरें सुर्खियों में छाई रहती हैं, जो काफी दिल दहला देने वाली भी होती हैं। मगर इस बार जो खबर सामने आई है वो माता पिता की हैवानियत को लेकर है। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में 21 वर्षीय महिला की कथित तौर पर माता पिता ने ही गला घोट करके जान ले ली। दरअसल महिला के परिवार वालों को उसके पास प्रेगनेंसी किट मिली थी, जिसके बाद उन्हें उनके किसी अफेयर के होने का संदेह हो गया था। दंपत्ति ने अपने दो रिश्तेदारों के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, शरीर पर तेजाब भी डाल दिया ताकि उनकी पहचान ना हो सके और शव को कहीं दूर फेंक दिया। पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिली तो पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया, मगर सवाल ये होता है कि आखिर माता पिता इतना क्रूर कैसे हो सकते हैं। दिल्ली के मीठापुर से भी एक ऐसी ही वारदात सामने आई थी, जब एक पिता ने ही अपनी बेटी की जान ले ली थी। उसे सूटकेस में बंद करके रास्ते पर छोड़ करके आए गए थे। हालांकि उस समय भी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया था, मगर क्या माता पिता इस तरीके के अपराध करके बच्चों को सही सीख दे सकते हैं? क्या बच्चों की काउंसलिंग करके उन्हें सुधारा नहीं जा सकता? क्यों आखिर ऐसी पीढ़ियों में इस वारदात को करने की शक्ति और क्षमता सामने आ रही है?